सुखबीर बादल की सियासी चाल अकाली दल से भारी पैंदी नज़र आ रही है। अस्तीफे धड़ाधड़ आने लगे ने। आखिर कौन सी चाल सी जिसके कारण ये अस्तीफे आए ने? कौन बड़े लीडर, कौन बड़े चेहरे सुखबीर बादल या फिर कही अकाली दल का साथ छड़ गए ने? अस्तीफे दिते किन्ना ने? गलबात उन्हां आगुआं की करांगे ते नाल कारणां की भी करांगे। तो उधर सुप्रीम कोर्ट भी भ्रिष्टाचार के मामले के उपर सख्त होंदी हुई नज़र आई है। भ्रिष्ट अफसरां दे लई वड्डा फरमान जारी करते हुए करारा झटका इन्हां भ्रिष्ट अफसरां नूं दित्ता है। सुप्रीम कोर्ट के आखिर नवें फरमान की ने? गलबात उहदे उपर। तो उधर सीएम भगवंत मान दीआं मुश्किलां किसानां दे वल्लों फिर तो वधा दित्तियां गईआं ने, क्योंकि मोर्चाबंदी फिर तो शुरू कर दित्ती गई है अते धरना प्रदर्शन फिर तो शुरू हो गए ने। किन्ना कारना करके हुण फिर तो किसान धरने के मूड के विच ने, धरने लगाए गए ने। गलबात उस दे उपर करांगे। तो उधर गलबात करांगे एक वड्डे घपले की। पंजाब दे विच एक होर वड्डे घपले का पर्दाफाश होया है। लखां रुपए की हेरफेर हुई है। घपला है कि किस वल्लों किया गया? गलबात उस दे उपर भी। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसी देख रहे हो खबर सवेर। इन्हां सारियां खबरां दे उपर विस्तार दे नाल चर्चा करने लई मेरे नाल ने प्रोफेसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत कर लैने आं अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, सारिआं नूं सत श्री अकाल। अणखी जी, 2024 दीआं चोणां ज्यों ज्यों नेड़े आउण लगियां ने, सारियां पार्टियां अपने तौर पर नवीआं नवीआं रणनीतियां उलीकदियां नज़र आ रहीआं ने, जां फिर कहीए कि अपने पर तोलणे शुरू कर दित्ते ने सारियां पार्टियां ने। गल अकाली दल की करिए, सुखबीर सिंह बादल की करिए, तो उन्होंने वालों एक सियासी चाल चलते हुए अपने विरोधियों को चेत करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए तकरीबन सारे लोग सभा हल्कों के इंचार्ज थाप दिते गए। इंचार्ज नहीं, चर्चावां तो इतों तक सी भी इन्हां विचों ज़्यादा इंचार्ज लोग सभा के चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन यह सियासी चाल पुट्ठी पैंदी नज़र आई है। तो धड़ाधड़ अस्तीफे आने शुरू हो गए ने। बड़े चेहरे अकाली दल या फिर कही सुखबीर बादल का साथ छड़ते नज़र आए हैं। कौन से चेहरे ने जिन्हों वालों अस्तीफे आए हैं? किन्ना कारना करके ये अस्तीफे आए हैं? मान साहब, बिल्कुल तुसी गल ठीक कही है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान ने, उन्हां वल्लों बीते दिन ही लोग सभा हल्कों के जिहड़े इंचार्ज सन लाए गए, और नाल ही नाल ये पता लगा कि इहो इंचार्ज हो सकता कि लोग सभा के उम्मीदवार वजों यो ही कम दिखाए जाए जो जा ही उम्मीदवार बन गए, जिस तरह हरसिमरत कौर बादल से प्रेम सिंह चंदूमाजरा होर नाम जो काफ़ी सन। पर अगले दिन ही जोड़े दो अस्तीफे जोड़े अमृतसर तो जोड़े आए हैं, गुरप्रताप सिंह टिक्का से गुरशरण सिंह छीना। हूँ ये जोड़े दो नेता ने खास तौर पर बिक्रम सिंह मजीठिए बड़े नज़दीकी मने जाते रहे, और सुखबीर सिंह बादल दे भी काफ़ी नज़दीक रहे ने। बिल्कुल उस तरीके जिस तरीके अज तो कुछ समा पहला तलबीर सिंह गिल होना ने भी जोड़ा विरोध किया, पर उन्होंने एन जाके एन मौके से अखीरी मौके पर उन्होंने भाजपा से जाने का ऐलान कर दिया गया, पर एन अखीरी मौके पर विरसा सिंह वटवर बिक्रम सिंह मजीठी ने उन्होंने मना के पार्टी में ही दोबारा रहने वास्ते मना लिया उन्होंने। पर हुण अच्छा हुण जिहड़े ये दो नेता जिहड़े ने अकाली दल का साथ कढ़िया, इन्होंने भी उहो जिहे इल्जाम ही लाए ने जिहो जिहे तलबीर सिंह गिल ने जिहड़े अकाली दल ते लाए सी, खास तौर पर नज़रअंदाजी लैके कि पार्टी में उन्होंने नज़रअंदाज किया जा रहा, जदों कि बीते दौर तो वो लंबे समय तो जिहड़े अकाली दल के वर्कर रहे ने जां उन्हें मैंबर रहे ने लंबे समय तो, कहिंदे परिवार टकसाली अकाली उन्होंने अपने आप को जिहड़ा नाम वो दिता। तो हुण जो इस स्थिति के जो 2024 दी चोणां बिल्कुल एन स्टेट पर खड़ियां होण और पार्टी पद्धर से अजिहे योजनावां जां अजिहे काम किए जा रहे हैं कि जिहदे नाल अकाली दल अपनी खुरदी हुई जमीन जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी तरखोती खो चुकी आ उसनूं बहाल करन दे मूड च सब तों अगे चलण दे जतनां दे विच उसके लोक सभा इंचार्जां दे नामां दा ऐलान करता, पर एन उस समय ही इहो जिहे हेठले पद्धर ते नेतावां वल्लों जिहड़े खास तौर पर पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुंदे आ जेकर उन्होंने वालों अस्तीफे आते हैं तो कुदरती तौर पर फिर मान साहब यह पार्टी वास्ते एक झटका जरा जरूर होंगे, क्योंकि इस तो साफ जाहिर है कि एक असंतोष अकाली दल के वर्करों के फैलिया होया है। तो उस असंतोष की वजह के कारण ही जिस तरीके के टिक्का और छीने वालों इल्जाम जोड़े लाए गए हैं कि उन्होंने पार्टी का बहुत साथ दिता, पर 2017 जो टिकटा देनिया तब इंद्रजीत सिंह बुलारी टिकट दे दी कि उन्होंने आजाद चोन लड़ी
है, पर हुण जिस तरीके नाल सुखबीर सिंह बादल दीआं नीतियां दा वी उन्होंने विरोध किया तो इस पासे दे विच लगता है कि अकाली दल ने जिहड़ी असीं कह सकदे कि वर्कर ने इस दे निराशा दे आलम च ने। खास तौर पर मानसा की भी गल होंगी कि जो पार्टी 10 साल सत्ता तो दूर रह जाए और वर्करां का जो जोश आ वह फिर कुदरती तौर पर घटना पार्टी के नीतियों का विरोध होंगे और खास तौर पर सुखबीर सिंह बादल दीआं लीडरशिप के उत्ते भी सवाल जिहड़े समय समय के सीनियर अकाली नेतावां वालों आए जाते रहे तो हुण अजिहे सवाल ही उन्हां वालों जिहड़े आ दो नेता जिहड़े वक्त गए ने उठाए गए। तो एक पासे ना सुखबीर सिंह बादल ने तो पहला लुधियाने तो काका सूद लोग सभा हल्के उम्मीदवार का भी ऐलान जिहड़ा वह कर चुके हैं अज तो 6 महीने पहला। तो अजिही स्थिति दे विच सुखबीर सिंह बादल की यह रणनीति रही है, चाहे विधानसभा चोणां दे विच उदों भी उन्होंने सब तो पहला नामां का ऐलान जिहड़ा किया जिहड़ा सिक्का है वह फिर सारिया के सामने आ। तो हुण भी उन्होंने किया तो उसके नाल ही अगले दिन ये जिहड़े इस्तीफे आउंदे आ दो नेतावां दे ये अकाली दल वास्ते जिस तरीके आप हर रोज चर्चा करते हैं तो तकरीबन तकरीबन क्लीयर है भी जो हालात ने अकाली दल दे पंजाब दे विच कि ये जो इन्होंने वालों इंचार्ज थापे गए हैं जो पहल की गई सारी पार्टियों चो ये एक बड़ा गलत फैसला नहीं कह सकते क्योंकि चाहिए तो यह जिस तरीके स्थिति हैगी पार्टी की बाकी पार्टियां की स्ट्रैटेजी देख के अपनी रणनीति बनाते की जल्दबाजी नहीं करके सुखबीर सिंह बादल इत्थे। मैं तो मान साहब वह गल की कि योजी जल्दबाजी ही सुखबीर सिंह बादल होना ने 2022 दी चोणां च भी की। सब तो पहला वो निकले वर्करां दा नामां दा ऐलान करता, सब तो पहला उन्होंने अपने आप जलालाबाद तो नाम अपना ऐलानिया, फिर बाद च विश्व सिंह बलटोई का ऐलानिया, तो उदों भी बाकी पार्टियां सारियां पिछे सन। आ सुखबीर सिंह बादल होना की रणनीति उन्होंने अनुसार ये ठीक हो सकती है जो सोचते हैं पार्टी पद्धर से अपने पद्धर से क्योंकि फैसले जिहड़े ने उन्होंने ही लड़े होते हैं। पर हाँ दूसरे पासे कुदरती तौर पर यह उन्होंने फैसले जिहड़े भारू जरूर पै जाते हैं क्योंकि फिर इन उम्मीदवारों के आधार के उत्ते ही दूजिया पार्टियां अपने उम्मीदवार चोन मैदान उतार दी ने। तो तुम तो वेख लो कई बार कांग्रेस पार्टी ए अखीर के मौके पर अपने नाम बंदे के नावों का ऐलान जिहड़ा करती है तो वह भी कई बार पार्टी के भारू पै जाता। सो अं कह सकते कि यह वाकई ही रणनीति जी सरदार सुखबीर सिंह बादल से भारी पेंडी जी है महसूस हो रही जी। बिल्कुल सर बिल्कुल जी। तो उधर गल आप भ्रिष्टाचार की कर लिए क्योंकि पंजाब सरकार के अकॉर्डिंग जीरो टॉलरेंस अधिकारियों के खिलाफ है, भावें कि चलो कई बार इस मामले के उपर यू टर्न भी पंजाब सरकार नूं लैना पिया। गल जेकर आप पटवारी कानून की करिए तहसीलदारा की करिए तो उत्थे कई बार यू टर्न भी लैना पिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वलों एक नवा फरमान इन भ्रिष्ट अफसर के खिलाफ आया, एक करारा झटका लग्या गा। वो फरमान की है जिस दे विच इन्हां भ्रिष्ट अफसरां नूं ताड़ना करदे होए करारा झटका सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों दित्ता गया, ऑर्डर की ने? वो मान साहब सुप्रीम कोर्ट च एक 2014 च पटीशन जिहड़ी चल रही है सीबीआई वर्सिज सबरावन स्वामी केस कुछ चलदा पिया, उस केस दे आधार ते सुप्रीम कोर्ट दा कल बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जिहड़ा आउंदा हैगा। आम तौर ते इह है कि जॉइंट सैकटरी तों उपर दे जिन्ने भी अधिकारी ने जेकर केंद्र सरकार मैं कह रहा जॉइंट सैकटरी के मतलब जॉइंट सकत्र के उपर जिन्हें भी अधिकारी जेकर वो किसी भी भ्रिष्ट के भ्रिष्टाचार के केस में वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्होंने जाँच उन्हों की गिरफ्तारी करने तो पहले केंद्र सरकार की जी इजाजत वो लैनी जरूरी होंगी है जो हम तक के नियम ने। पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना एक सख्त फैसला 5 मैंबरी जी संविधानक बेंच वह बैठा उसने एक अहम फैसला दिता, उन्होंने कहा कि इस तरीके ने जेकर करांगे तो धारा 19 जी बराबरी का अधिकार जिहड़ा दिंदी है सारे भारत वासियों उस संदर्भ विच फिर उसकी जिहड़ी आ उल्लंघना हैगी है। हुण जॉइंट सैकटरी दे अहुदे तों लै के उपर तक जिहड़े भी अधिकारी होणगे जेकर वह किसी भी केस दे विच इनवॉल्व पाए जाते हैं तो उन्हां दी जांच या उन्हां दी गिरफ्तारी करन वास्ते हुण केंद्र सरकार की जिहड़ी मंजूरी आ वह उसकी लोड़ जिहड़ी आ वह नहीं गई। हुण यह फैसला अपने आप दे विच मानसा बहुत महत्वपूर्ण फायदा महत्वपूर्ण इस तरीके का क्योंकि अज तक जो किसी IAS अधिकारी या IPS अधिकारी के खिलाफ कोई भी राज सरकार जांच करती है भ्रिष्टाचार के दोषों के या किसी होर दोषों के अंतर्गत उसको दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ जेकर जांच आरंभी जाती है तो सब तो पहला उन्होंने विचकार केंद्र सरकार की जी ढाल है वह आ जाती है जिसके आधार से केंद्र सरकार को उसकी मंजूरी लेना सब तो पहला जरूरी होंगे।
ਇਹ ਸਭ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2003 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2014 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ MLA MP ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA MP ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭਰਾਓ ਚੜਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, 70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਿੰਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
इसे महीने की 27-28-31 में भी 3 दिन का जो रेल रोको प्रदर्शन करने का जो ऐलान है वो किया हो सब कासे वेखना होया कि सरकार चाहे वह केंद्र सरकार है जां वह पंजाब सरकार है किस हद तक किसानों दी मंगा नूं मंनदी है ते उन्हां दीआं उन्हां नूं संतुष्ट कर पाउंदी है। पर दूजे पासे मान साहब यह भी एक खबर जिहड़ी आपां जरूर शेयर अपने दर्शकां नाल करदे हां कि किसानां बिहार के जिहड़े एक होर फ्राड जिहड़ा उह सामने आया जिहदे विच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक जिहड़ी हैगी है उह योजना के तहत 2018 तो हर किसान जिहड़े पीड़ित जिहड़े किसान जिहड़े ने आर्थिक पक्ष तों कमजोर ने 6,000 रुपया प्रति महीना प्रति साल जी उन्होंने एक राशि जी उन्होंने बैंक खातों में पाई जाती है। तो पर कहते हैं कि हुण उत्थों दी राज सरकार ने यह वेख्या कि 81,000 किसान अजिहे ने कि जिहड़े बिना किसी गल तो जिहड़े उस सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नहीं आते तो उन्होंने जिहड़ियां वित्तीय हालात ने बहुत बैठे ने पर वह भी सरकार का बीते समय तो 82 करोड़ का चूना जरा वो लगा चुके हैं योजे किसान जिहड़े 81,000 किसानों की उन्होंने पछाण जी है मान साहब वो की है। हुण 82 करोड़ रुपया जिहड़ा इस योजना के तहत वो डकार के ने किसान जिहड़े उत्थों मिले तो हुण उत्थों बिहार सरकार ने यह गल कही है कि उन्होंने किसानों को जिहड़ा पैसा आ वो वापस जिहड़ा मंगवाया जाए उन्होंने दोबारा रकम भी जिहड़ी आ उसकी की जाएगी। ये मैं उदाहरण मान साहब तां दित्ती है कि एक पासे दा किसान जथेबंदियां अपनियां मंगां नूं लैके सड़कों से उतरदियां ने आए दिन प्रदर्शन करते हैं सब कुछ करते हैं तो दूजे पासे जदों अजिही स्थिति आउंदी आ उत्थे भी किसान जथेबंदियों फिर अपना रोल जिहड़ा वो जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए कि अजिहे धरने करके तुसीं लोगों नूं माफ़ा सरकार को तुसीं दबाव तां पा सकते हैं पर तुहाडे इन्हां धरनियां करके जां दिल रोकां दे करके लखां लोग जिहड़े प्रभावित हुंदे ने उन्हें दी जिम्मेवारी किसकी बनदी है। तो बाकी आ जिहड़ा इक स्कैंडल सामने आया ये संबंधी भी हम किसान जथेबंदियों का रुख जिहड़ा जरूर स्पष्ट किसान जथेबंदियों ने जरूर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि इस संदर्भ में उन्होंने भूमिका की है। वो जिहड़े 81,000 किसान ने जिहड़े प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये डकार के उन्होंने संबंधी किसान जथेबंदियां की रुख कर दें कि इदा ना हो कि कल कह दें कि हाँ भाई असं वापस नहीं करना नहीं करना तो असं उसका भी धरना लाना है जिस तरीके का अच्कल धरनों का चलन जरा राज देश के चलना पे जी। बिल्कुल बिल्कुल सर इस जो तुम घोटाले की गल की भी उधर भी घोटाला हो गया पैसे वापस मंगती केंद्र सरकार नज़र आ रही है तो एक घोटाला होर वजीफा घोटाला एक होर फड़िया गया वो घोटाला की है किन्ना क बड़ा घोटाला होया कदों घोटाला होया तो इस घोटाले का सेक हुण बिजनेस की जांच के कित्थे कित्थे पहुँचा जा रहा है कौन कौन है जो इस घोटाले में शामिल थी या फिर कही शक के दायरे के कौन कौन है इस घोटाले पूरा घोटाला की है। मान साहब यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ अगे तो पंजाब कांग्रेस सरकार के समय जिहड़ा स्कॉलरशिप को लैके बड़ा घोटाला हुआ जिहड़े साधु सिंह धर्मपुर जिहड़े ने इस वेले विजिलेंस के रडार पर ने विजिलेंस होर फड़े भी जा चुके हैं जी कह सकते अंदर भी गए पर एक घोटाला होर सामने आया जिहड़ा पंजाब के नर्सिंग कॉलेज का जिहड़ा संबंधित है खास तौर पर यह घोटाला 2013-14 ते 14-15 के समय के होया कि फर्जी जिहड़े ने काल दाखले जिहड़े ने कॉलेजों के किए गए और केंद्र जिहड़े फर्जी दाखले ना वो दाखले जिहड़े विद्यार्थी सन ना विद्यार्थियों का कोई रिकॉर्ड सी ना ही वो व्यक्ति कित दाखिल हुए पर उन्होंने नावों किसी फर्जी कॉलेजों के जिहड़ा वो दाखिल कर लिया गया उन्होंने नाम जिहड़ी सरकार वल्लों राहत राशि जिहड़ी किस बच्चों जिहड़ी आउंदी है स्कॉलरशिप के रूप के कॉलेज तो जिहड़े दलाल सन उही जिहड़े ने वो शख्स करते और यह जो मसला है कि यह मसला हरियाणे तो सामने आया कैथ सामने आया क्योंकि हरियाणे के जिहड़े ने उन्ने कॉलेज नर्सिंग नाल संबंधित कॉलेज या एनम नाल संबंधित कॉलेज उन्ने कॉलेज है नहीं तो उत्थे कहिंदे ने कि 5-6 दलाल ने उत्थों के बंदिआं नूं पंजाब के फर्जी दाखले जिहड़े दवाए कॉलेजों के दाखले दवाए 2013-14 ते 14-15 के तो वो जिहड़ी राशि आउंदी रही सरकार पासों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन वो राशि जिहड़ी आ बैंकों वाले ने रल के ये दलाल तो दूजे पास वो कॉलेज फर्जी आप ही डकार जाते रहे तो यह मसला कोई 70 लाख के करीब जरा जाके बनता जरा कपड़ा जरा है हूँ इसकी जाँच जी विजिलेंस हरियाणा वालों जी की जा रही है कैथल वालों की जा रही है और बकायदा तौर पर 250 के करीब जोड़े विद्यार्थी ने उन्होंने जरा इस जाँच के शामिल जरा वो किया जा चुका हूँ क्योंकि यह मसला पंजाब का संबंधित है हालांकि दूसरे बन्ने विद्यार्थी जोड़े वो हरियाणा स्टेट के ने पर कपड़ा जोड़ा वो पंजाब के नर्सिंग कॉलेजों के होया
कि जिसे फर्जी दाखला करके सरकार को भी जरा चूना लगया तो दूजे पास विद्यार्थियों को लाया। हुण यह वेखना होगा कि हरियाणा सरकार वालों तो इस पद्धर की जी जांच चलती पई है। हुण पंजाब सरकार की यह नलायकी है कि वह तो नक के हेठा ही योजे फर्जी कॉलेज खुले जिथे ना कोई विद्यार्थी दाखिल होया ना कोई उन्होंने हाजिरी हुई पर फिर भी जी सहालत सरकार को जी सहूलत मिलनी थी उस कॉलेज ही डकार के तो इस सब पास 70 लाख का जो चूना सरकार को जोड़ा लगा। हुण प्रश्न यह है कि पंजाब सरकार जी करप्शन के मुद्दे से कहती कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। हुण इस स्कैंडल तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार का की रोल आ। हालांकि 2013-14 च उस वे सरकार अकाली भाजपा सरकार की सी अज तक अगर देखा जाए तो जनमेजा सिंह सेखों या शरणजीत सिंह ढिल्लों का केस ही सिंचाई घोटाले के मसले के अकाली दल आम आदमी पार्टी ने रडार से लिया। पर हुण जिहड़ा ये घोटाला सामने आया जिहड़ा सरकारी खजाने चूना लगा तो जिहदे संदर्भ में मुख्यमंत्री कहिंदे कि जिसने भी पंजाब का पैसा एक भी पैसा खादा वह पैसा लौटाया जाएगा। हुण वेखना कि इस कपड़े के प्रति पंजाब सरकार का जिहड़ा अपना रुख है जां अगला रुख की हुंदा। बाकी अपने आप दे विच इह घोटाला बड़ा वड्डा कि जिते ना कोई विद्यार्थी दाखिल होए ना कोई होर कारज ते पर 70 लाख दी जिहड़े करीब आ बैंक वालिआं नाल रख के सरकारी सहायता जिहड़ी दित्ती जांदी सी उस नूं धकार दिया जांदा रहा। हुण पंजाब सरकार की भूमिका वेखणी होगी इस संबंध में अगले दिनों च की हुंदी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक बार एक गल है भी वड्डा पर्दा फाश होएगा घोटाले का पहला भी वजीफा घोटाला पंजाब के चर्चित रहा थी लेकिन एक बार फिर तो हुण हरियाणे नाल संबंधित ये स्टूडेंट का उन्हां दा वजीफा घोटाला सामने आया कौन कौन इनवॉल्वमेंट आ दसण दी कोशिश की है तो बैंकों की भूमिका की रही है बैंकों के अधिकारियों की भूमिका की रही है तो आने वाले समय के जिस तरीके विजिलेंस ऑफिसर के वलों एक गल्ला कही गई ने कि जांच आखिरी पड़ाव दे विच है सो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के इस मामले बड़ा धमाका या फिर बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती ने। सुन के सर तुसी गलबात कर ली साडे नाल जुड़े उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। सो इस सन प्रोफेसर मनजीत सिंह अणखी जी जिन्हां वल्लों अज दी इन अहम खबरों के उपर विस्तार नाल चर्चा की गई है। चर्चा किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्सो अगले प्रोग्राम विच फिर तो होएगी मुलाकात उद तक दिओ इजाजत धन्यवाद।